रहमान और रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउंस। दे के आर ऑफ टू टाइप्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन कम बिफोर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अली एंड सारा केम टू टी। अली इज ही, सारा इज शी, एंड लिटिल फातिमा, वेल, दैट्स मी। तो ही जो है वो बॉय और मैन के लिए यूज किया जाता है। अ मेल पर्सन और बॉय, मैन इज रिप्लेस्ड बाय ही। और शी जो है वो फीमेल पर्सन, गर्ल, वुमेन, रिप्लेस बाय प्रोनाउन शी। और दे जो है मोर देन वन नाउन इज रिप्लेस बाय प्रोनाउन दे। सो ही, शी एंड दे, मेल ही, फीमेल शी, और मोर देन वन दे। इट इज यूज फॉर एन एनिमल आर अ थिंग। ओके, नाउ देयर आर ही, शी, इट एंड दे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी सोचना चाहिए कि हम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आए, अल्लाह एक दिन हमें भी रिप्लेस कर देगा। और अल्लाह ताला कुरान जीत में कहता है, अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, और वो तुम जैसे ना होंगे बल्कि तुम्हारे से बेहतर होंगे। वैसे भी हम दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं। रोज़ हमें अल्लाह के घर से पुकार आती है 5 टाइम, हया अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। तो कामयाबी सच का रास्ता इख्तियार करने में है, और उसके लिए अल्लाह ताला हमें कुरान को तर्जमे से पढ़ना चाहिए, पता चले कि वो सच का रास्ता क्या है, जिसपे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले चल कर दिखाया और हमारे लिए सुन्नत छोड़ गए। और आपको पता है कि स्माइल करना, मुस्कुराना भी सुन्नत है। अगर आपको पता होगा इस बात का तो फिर सवाब मिलेगा। इसी तरह सच बोलना भी सुन्नत है। कोई देखे ना देखे, मैंने तो हर सूरत में सच बोलना है, मुझे अल्लाह तो देख रहा है। फिर उसके बाद दुआ मांगना अपने लिए, अपने अजीज़ो कारब के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है, मेरी सोच महदूद है। फिर किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ना अपने इर्द गिर्द लोगों को, ना प्रॉपर्टी को। और फिर जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं उनको खर्च करना शुरू करो। जो जितना ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसको और अता करता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, जैसे माई मॉम लव्स अली, माई मॉम लव्स हिम, हिम इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देम एंड हर। लेट्स प्रैक्टिस। अब हम कुछ चीज़ें, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अलहदा करना है। शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। अब शी है जो, ये मेड डिनर, उसने खाना बनाया। वर्ब से पहले आ रहा है, शाबाश, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, इसको क्या हम लेबल करेंगे, इसको हम एस पी या सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे, बिकॉज इट केम बिफोर द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सेमी प्लेड टेनिस विद मी। सेमी क्या कर रहा है, खेल रहा है टेनिस विद मी। तो आप, प्लेइंग इज अ एक्शन वर्ड वर्ब, तो सो मी इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हमने इसको ओपी लिखा, इट कम्स आफ्टर द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इज, माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम। अब यहाँ पे है, मेरा दोस्त कहाँ गया, किसके, उसके साथ मूवी देखने गया। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो वर्ब के बाद प्रोनाउन आए उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हिम जो है, इट इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी वेंट टू द स्टोर लास्ट नाइट। शी, वो लड़की कल रात स्टोर में गई। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। अभी हम पढ़ के आए हैं कि शी वेंट, वो गई, तो लड़की के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द कैशियर गेव मनी टू हर। वीडियो यहां पे स्टॉप करें। कैशियर ने उसको पैसे दिए, तो हर जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे एंजॉयड प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड। उन्होंने प्लेइंग को एंजॉय किया, दे मोर देन वन, सो
come before the verb, so it is subject pronoun. Next sentence is, have you seen my ball? तुमने मेरी बॉल देखी. अब seen जो है वो verb है और you जो है वो subject pronoun है because it come before the verb. Next sentence is, we played with children. हम बच्चों के साथ खेले. तो we जो है वो verb से पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको भी subject pronoun label करेंगे. आपने भी ऐसे किया, शाबाश. तो we is a subject pronoun. She gave me some chocolate. उसने मुझे कुछ चॉकलेट दी. अब यहाँ पे देखें, she जो है वो verb से पहले आ रहा है और she gave me, तो me जो है वो बाद में आ रहा है. तो she is a subject pronoun और me is a object pronoun. Maria tossed the ball to them. Maria ने बाल उनकी तरफ फेंका. अब यहाँ पे भी them जो है वो verb के बाद आ रहा है. वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें. तो इसको हम क्या लेबल करेंगे, शाबाश, इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेबल करेंगे. अब ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक स्लाइड में हैं. आपने जो अभी तक सीखा है इसको वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और जो खाली कॉलम है उसमें एसपी लिखें सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए, ओपी लिखें फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए, और ये इसका आंसर है. तो उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा. वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक़े कुरान होकर. आज भी हम मुअज़्ज़ज़ होना चाहते हैं तो हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें.